क्लास सेवन मैथ्स चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन 7 सिंप्लीफाई दीज एक्सप्रेशंस एंड फाइंड the value if x is equal to 2. First, 3x minus 5 minus x plus 9. x is equal to 2. अब आपके पास है 3x minus 5 minus x plus 9. और x की वैल्यू क्या दे दी है आपको, इफ x इज 3ab, आपको अलग अलग वैल्यूज दी हुई हैं क्वेश्चन 7 में. सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x इज, इफ x इज इक्वल टू 3 है, देखना क्या क्या वैल्यूज हैं. लिखते हैं x इज 3 के इक्वल दिया है, a माइनस 1 के इक्वल दिया है और b की वैल्यू दी है माइनस 2. फर्स्ट पार्ट आप देखोगे 3x माइनस 5 माइनस x प्लस 9, इसमें सिर्फ x ही है, a और b है ही नहीं, तो सिर्फ x की वैल्यू रखो तो हो जाएगा 3x की जगह ब्रैकेट में 3 माइनस 5 माइनस फिर x की जगह ब्रैकेट लगा के 3 रख दो फिर प्लस में 9 और अब इसे सिंप्लीफाई कर लो. ये हो जाएगा 3 जा 9 माइनस 5 माइनस 3 प्लस 9, 9 माइनस 5 4 माइनस 3 प्लस 9, 4 माइनस 3 1 प्लस 9, यानी ये आपका आंसर आ जाता है 10. नेक्स्ट सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में सेकंड क्वेश्चन आपके सामने 2 माइनस 8 एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 4, तो हो जाएगा 2 माइनस 8, एक्स की जगह ब्रैकेट लगा के 3 रखेंगे प्लस 4 फिर x की जगह 3 रखेंगे और प्लस में फिर 4, तो 2 माइनस 8 3 जा 24 प्लस 4 3 जा 12 प्लस 4, 2 माइनस 24 माइनस 22 प्लस 12 प्लस 4, माइनस 22 प्लस 12 माइनस 10 प्लस 4 और माइनस प्लस माइनस माइनस 6 आंसर. देखो ये दोनों पार्ट मैंने तुम्हें कैसे करवाए हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके करवाए हैं. डायरेक्ट हमने क्या किया, वैल्यू पुट की है किसकी, एक्स की वैल्यू पुट की है 3. लेकिन क्या है हमें करना, क्या है हमें कहा है पहले सिंप्लीफाई करो. देखो अब दूसरे तरीके से ही, पहले क्या करना है सिंप्लीफाई करना है एक्सप्रेशन को और फिर वैल्यू पुट करनी है. तो इन्हीं क्वेश्चंस को मैं दूसरे मेथड से करा के दिखाता हूं. फर्स्ट पार्ट को दोबारा करेंगे हम. फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या था, 3x माइनस 5 माइनस x प्लस 9 था. तो सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई करना है. कैसे, लाइक टर्म्स देखो 3x है और माइनस x है, लाइक टर्म्स अब डायरेक्ट करेंगे हम. 3x माइनस x एक साथ ली और माइनस 5 प्लस 9 एक साथ ली, मैं ब्रैकेट ब्रैकेट यूज नहीं कर रहा हूं, सब हम पहले बहुत कर चुके हैं. 3x माइनस x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा. माइनस 5 प्लस 9 माइनस प्लस माइनस, 9 में से 5 4, बड़े के सामने प्लस है तो ये प्लस 4 हो गया. तो ये हमारा सिंप्लीफाइड टर्म हो गया है. इसमें दो ही तरह की टर्म है, एक्स वाली और कांस्टेंट, दोनों हमने सोल्व करके सिंपल ये 2x प्लस 4 कर लिया. अब हमारे पास क्वेश्चन जो 3x माइनस 5 माइनस x प्लस 9 था उसकी जगह 2x प्लस 4 आ गया है. अब इसमें पुट करना है x इज इक्वल टू 3. अब इसमें x की जगह पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 3 प्लस 4, तो 2 3 जा 6 प्लस 4 यानी 10 आंसर. देखो सेम वही आंसर आया जो फर्स्ट पार्ट में आया था, फर्स्ट पार्ट में भी 10 आया और अब भी हमारे पास क्या आया है 10. मेथड क्या है, अलग अलग है. पहले हमने डायरेक्ट उसमें x की वैल्यू पुट करके सोल्व किया और अब हमने पहले उसे सिंप्लीफाई किया और फिर सोल्व किया. इसी तरह मैं सेकंड पार्ट को दोबारा करूंगा समझाने के लिए. 2 माइनस 8 एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 4, फिर देखो सिंप्लीफाई करो. सबसे पहले 2 है, 2 की लाइक टर्म्स ढूंढेंगे ढूंढेंगे लास्ट में 4 मिला, तो 2 प्लस 4 एक साथ लिख लो. उसके बाद ये दोनों लाइक है, माइनस एट एक्स प्लस फोर एक्स. मैं लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई करूंगा, टू और फोर दोनों प्लस हो रहे हैं, सिक्स हो जाएगा. अब माइनस एट
और प्लस फोर एक्स, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, तो 8 में से 4 माइनस गया 4x हो गया, लेकिन बड़े के सामने माइनस है तो माइनस 4x हो गया, तो सिंप्लीफाइड टर्म आ गई मेरे पास 6 माइनस 4x। अब मैं इसमें करूंगा पुट x इज इक्वल टू 3, तो मेरे पास हो जाएगा 6 माइनस 4 और ये ब्रैकेट में 3, तो 6 माइनस 4 3 जा 12, 6 माइनस 12 माइनस 6 हमारा आंसर है। देखो इस बार भी सेम वही आंसर है जो पहले आया था डायरेक्ट रखने पे, तो दोबारा समझो क्या किया था मैंने, 2 माइनस 8x प्लस 4x प्लस 4 था, 2 प्लस 4 हमने ऐड कर लिया लाइक टर्म्स थी और माइनस 4x प्लस 4x सॉल्व किया माइनस 4x आया, तो 6 माइनस 4x सिंप्लीफाई करके आया, x की जगह 3 रखा, 4 3 जा 12, तो 6 माइनस 12 माइनस 6 आपका आंसर है। थर्ड पार्ट क्या कहता है आपको, 3a प्लस 5 माइनस 8a प्लस 1, तो इसे पहले सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई में वही लाइक टर्म्स हम सोल्व करेंगे, सबसे पहले 3a हमारे पास इस जैसी माइनस 8a एक साथ लिख लिया और प्लस फिर बचा 5 और प्लस 1 अलग लिख लिया मैंने, दोनों लाइक टर्म 3 और माइनस 8 को सिंप्लीफाई करेंगे, 3 माइनस 8 तो 8 में से 3 माइनस करेंगे 5, साथ में a लग जाएगा और बड़े के सामने माइनस है तो माइनस 5a, प्लस में 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा 6। अब देखो इसमें वेरिएबल क्या है a, और a की वैल्यू क्वेश्चन में हमें दी हुई है, क्वेश्चन में दी हुई है a इक्वल टू माइनस 1 है, तो a की जगह मैं क्या पुट करूंगा माइनस 1, तो पुट a इक्वल टू माइनस 1 तो क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस 5, a मल्टीप्लाई तो ब्रैकेट में माइनस 1 रखूंगा और प्लस में 6, हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5 बन जा 5 प्लस 6 और 5 प्लस 6 आपका 11 आंसर हो जाएगा। इसी तरह से फोर्थ पार्ट मेरे पास 10 माइनस 3b माइनस 4 माइनस 5b है, सिंप्लीफाई करेंगे, सबसे पहले 10 कांस्टेंट है, देखो 10 के लाइक टर्म्स माइनस 4 है तो माइनस 4 लिख लिया मैंने, फिर माइनस 3b और माइनस 5b एक साथ लिख लिया माइनस 3b माइनस 5b, 10 माइनस 4 सीधा सीधा 6 आ गया, आपने फर्स्ट क्लास में सीखा होगा, माइनस 3 माइनस 5 6 में सीखा होगा, माइनस माइनस प्लस होता है, 3 प्लस 5 8 होगा लेकिन माइनस का साइन लगेगा साथ में b आ जाएगा। अब क्या करेंगे पुट b इक्वल टू, b की कोई वैल्यू दे रखी है हमें, तो b की क्या वैल्यू दे रखी है, b की वैल्यू दे रखी है माइनस 2 क्वेश्चन में, तो b की माइनस 2 वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस 8 और b की जगह माइनस 2, तो 6 8 टू जा 16 और माइनस इंटू माइनस प्लस 6 प्लस 16 22 आपका आंसर है। फिफ्थ एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन 2a माइनस 2b माइनस 4 माइनस 5 प्लस a, तो सिंप्लीफाई करेंगे, पहले 2a लाइक टर्म देखो लास्ट में a मिला प्लस में a है हो गए, फिर b वाली टर्म लिखो माइनस 2b, कोई और भी है नहीं है छोड़ दो, फिर माइनस 4 और माइनस 5 सिंप्लीफाई करते हैं, 2a प्लस a 3a लाइक टर्म्स को प्लस कर दिया, 2b लाइक जैसा कोई नहीं है तो सिंपल उसे 2b ही लिखो, माइनस 4 माइनस 5 माइनस माइनस प्लस तो 4 प्लस 5 9 साइन माइनस का ही आएगा। अब इसमें क्या करेंगे पुट करेंगे a की वैल्यू पुट करेंगे माइनस 1 एंड b की वैल्यू पुट करेंगे माइनस 2, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारे पास 3 ब्रैकेट में माइनस 1 माइनस 2 b की जगह ब्रैकेट में माइनस 2 और माइनस 9, 3 इंटू माइनस 1 ये हो जाएगा आपके पास माइनस 3, 2 2 जा 4 माइनस इंटू माइनस प्लस और ये हो गया आपके पास माइनस 9, तो माइनस 3 प्लस 4 माइनस 9 सिंप्लीफाई करना है, पहले दो को कर लेते हैं माइनस 3 प्लस 4 माइनस प्लस माइनस तो 4 माइनस 3 1, बड़े के सामने प्लस है तो ये प्लस ही रहेगा, बाकी बचा माइनस 9 उसे लिख दो, अब 1 माइनस 9 8 होगा, बड़े के सामने माइनस है तो माइनस 8 ये आपका आंसर है और सेवंथ क्वेश्चन आपका यहाँ खत्म हो जाता है। ठीक है क्वेश्चन 8th, फर्स्ट पार्ट दो क्वेश्चन है इसमें, फर्स्ट में कहता इफ जेड इक्वल टू 10 फाइंड दी वैल्यू ऑफ
जेड क्यूब माइनस 3 जेड माइनस 10। तो कुछ नहीं करना हमें, सॉल्यूशन में क्या लिखना है, क्वेश्चन नोट करना है और जेड की जगह क्या रख देना है, 10। तो जेड क्यूब माइनस 3 जेड माइनस 10 और जेड की जगह क्या रखेंगे, 10। तो 10 क्यूब माइनस 3 ब्रैकेट 10 माइनस 10। ये तो बहुत आसान हो गया, 10 की क्यूब क्या होगा, 10 × 10 × 10 यानी 1000। फिर माइनस 3, 10 माइनस 10 0 और 3 × 0 0, तो 1000 माइनस 0 1000 आपका आंसर है। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट कहता है इफ पी इक्वल टू माइनस 10, इफ पी इक्वल टू माइनस 10 फाइंड द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर माइनस 2p माइनस 100। ये क्वेश्चन, फिर हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे, क्वेश्चन नोट कर लेंगे आराम से। क्वेश्चन था हमारा पी स्क्वायर माइनस 2p माइनस 100 और p की जगह वैल्यू क्या रख देंगे, माइनस 10। तो माइनस 10 स्क्वायर माइनस 2, फिर p की जगह माइनस 10 और माइनस 100। माइनस 10 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस और 10 का स्क्वायर 100, तो माइनस 10 स्क्वायर की जगह क्या जाएगा, 100। 2 × 10 = 20, माइनस इंटू माइनस प्लस और माइनस 100, 100 प्लस 20 120 माइनस 100 यानी 20 आपके पास आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नाइन क्या कह रहा है, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ए, बी द वैल्यू ऑफ ए इफ द वैल्यू ऑफ टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए इक्वल टू 5 when x is equal to 0। सॉल्यूशन देखो, उसने कहा कि ये जो इक्वेशन है 2x square plus x minus a, इसकी वैल्यू 5 है। कब है 5, जब x की वैल्यू 0 है। तो x की जगह पुट करो 0, तो 2 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस a इक्वल टू 5। 2 0 का स्क्वायर क्या होगा, सब 0 हो जाएगा, प्लस 0 माइनस a इक्वल टू 5, देयरफॉर माइनस a इक्वल टू 5। अगर माइनस a 5 के इक्वल है तो a के इक्वल हो जाएगा माइनस 5, याद रखना ये, यहाँ पे a के इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस 5 आंसर आ गया हमारा। यही हमसे पूछा है उसने, a की वैल्यू पूछी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, a की वैल्यू पूछी है अगर x की वैल्यू 0 है तो x की जगह 0 रखो पूरी इक्वेशन में और इक्वल टू 5 रख दो, क्योंकि कहा पूरे की वैल्यू 5 है, और सिंप्लीफाई किया a की वैल्यू आ गया आपके पास माइनस 5। एक क्वेश्चन और है इस एक्सरसाइज का, 10th क्वेश्चन, क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 10 सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड फाइंड द वैल्यू व्हेन, पहले तो कह रहा है सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई के बाद उसने कहा है कि a की वैल्यू 5 पुट करो और b की वैल्यू माइनस 3 पुट करो और सोल्व कर दो। किसे सोल्व करना है, 2a² प्लस ab प्लस 3 माइनस ab को। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन लिख के इसे सिंप्लीफाई करूंगा, 2a² प्लस ab प्लस 3 माइनस ab। अब इसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे ये ध्यान दो, इंपॉर्टेंट चीज है, इसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ब्रैकेट के बाहर 2 दिखाई दे रहा है, उसे अंदर दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, 2 को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 2a² प्लस, फिर 2 को ab से मल्टीप्लाई, ब्रैकेट के बाहर जो भी अंदर सबसे मल्टीप्लाई होगा तो ab से 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2ab हो जाएगा और प्लस में 3 माइनस ab। अब सिंप्लीफाई का मतलब होता है कि आप देखो लाइक टर्म्स तो नहीं है कोई, लाइक टर्म्स है तो उन्हें सोल्व करो। हम देखेंगे ये दो टर्म लाइक टर्म्स हैं, ये और ये भी ए बी और ये भी ए बी, तो इन दोनों को सिंप्लीफाई करना, बाकी एज इट इज रखना हमें। तो 2a²
टू ए बी माइनस ए बी सिर्फ बचेगा प्लस में वन ए बी या सिर्फ ए बी लिख सकते हैं हम इसे, और प्लस थ्री, तो ये हो गया सिंप्लीफाइड। नाउ अब हम क्या करेंगे, पुट ए इक्वल टू फाइव एंड बी इक्वल टू माइनस थ्री, ए की जगह फाइव और बी की जगह माइनस थ्री पुट कर लेंगे, होगा क्या इससे, देखो टू ब्रैकेट ए की वैल्यू फाइव और स्क्वायर, फिर प्लस में वन लिखने की जरूरत नहीं है, ए यानी ब्रैकेट में फाइव और इनटू में बी तो ब्रैकेट में दूसरे में माइनस थ्री और फिर प्लस में जो थ्री था क्वेश्चन में वही हमने ए और बी की जगह उनकी वैल्यू पुट कर दी। सोल्व करेंगे, टू फाइव का स्क्वायर होता है 25, फाइव थ्री जो होता है 15 और प्लस माइनस हो गया माइनस और प्लस में थ्री, टू इंटू 25 50 माइनस 15 प्लस में थ्री, 50 माइनस 15 35 प्लस थ्री, 35 प्लस थ्री 38, ये आपका आंसर है। यहां आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है।